नमस्कार भाई लोग, ये देखिए यहाँ के निकुलिन भैया, ये लाइक बहुत बड़े कॉमेडियन थे। ये हमारे जैसे जर्मन के अपने चार्ली चैपलिन, इंडिया के राज कपूर साहब थे, बिल्कुल उसी कैटेगरी के। शायद ही कोई देश का ऐसा बंदा हो जो इनको जानता है। प्योर तांबे, ठोस तांबे का ये स्टैचू बनी हुई है। जहाँ तक ये है, मे बी पॉसिबल, आई डोंट एक्चुअली नो कि ये गाड़ी भी शायद उन्हीं की थी, बहुत पुराना है। वो एक ट्रेडिशन भी है, जितने भी लोग यहाँ आते हैं तो एक्चुअली हर आदमी पास में खड़ा होकर फोटो खिंचाता है। ये भी एक भाई साहब थे जोकर सर्कस के, बहुत बड़े। एक तो ये बात अच्छी, इस कंट्री में बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है। देखिए तभी लोग भी इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे जैसे होने चाहिए। ये एक है, एक के ऊपर एक लाइक जो पर बैठे हुए हैं। एक ये ट्रेडिशन भी है कि लोग यहाँ पे उनकी नाक पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, उनकी जीवन में कुछ अच्छा हो गया। फिर देखा जाए रशिया बहुत सुंदर कंट्री है, लोगों ने जैसे धारणा बना रखी है तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये शायद निकोलिन जी का, जिसको सबसे पहले आपने स्टैचू देखी थी, उनकी हैट, जूता और ये छड़ी जो यूज़ होती थी इनके नाम से, उसको लाइफ म्यूजियम यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ भी लोग आके बैठ के इसके बगल में फोटो वगैरह खिंचाते रहते हैं। और ये एक और भाई साहब बैठे हैं आराम से।
अच्छे सर्कस भी अगर यहाँ पे इंडोर्स ही रहते हैं क्योंकि जाड़े का कंट्री है, लेकिन आप कभी सर्कस जाओगे हॉल में पूरा हमेशा भरा मिलता है। फाउंटेन है यहाँ पे, बहुत फेमस है रशिया के फाउंटेन के बारे में। साफ सुथरा देख रहे हो, उसी फाउंटेन के ऊपर एक और जोकर साहब, अभी पास में लेके चलते हैं उनके। और ये देखिए ग्रीनरी, फ्लावर्स लगे हैं। गर्मी के टाइम पे ग्रीनरी का तो कोई मुकाबला नहीं है यहाँ से। इवन रोड्स पे भी आप चलोगे लगेगा जैसे कोई गार्डन में घूम रहे हो। प्रिय तुषारास, हेलो। ये लेडी ने हमसे भी पूछा कि आइए प्लीज सब नए मुझे स्वाद कर नो इचो मुझे नो इचो। ये फाउंटेन के ऊपर एक छाते छाते मेमोरी में सब लगा। राज कपूर साहब भी छाता लेके, अगर आपको याद होगा मेरा नाम जो कर यूज करते थे ट्रेडमार्क था ये। अगर एक चीज़ फेमस हो जाती है तो होटल को ट्राई करते हैं। मेरा नाम जो कर फिल्म तो रशियन एक्टर के साथ कोलेब्रेशन में ही बनी थी, बहुत साल है शायद बनाया है उसको। इंडिया में जैसे जिमनी सर्कस फेमस है, वैसे यहाँ तो मॉस्को के सेंटर में ये जो सबसे पहले आपने देखी थी स्टैचू निकोलिन की, उनके नाम से ही एक है यहाँ पे सर्कस सबसे फेमस जिसे कहते हैं। ओके मित्रों, सहगणों, भाइयों बहनों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।